नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और खूबसूरत प्लांट के बारे में। और देखिए, ये जो प्लांट है क्या वो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत प्लांट है। आप इसे बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सुंदर से प्यारे से फ्लावर देख रहे हैं, देखिए इनमें जो है बिनी बिनी प्यारी सी खुशबू भी आती है और इनकी जो फूलों की संख्या है बहुत ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो नाम है, इसका नाम है कुंदा बेल। तो देखिए, कुंदा बेल है, आप इसे बेल की तरह ग्रो कीजिए या फिर जो है प्लांट की तरह ग्रो कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो इसी जो केयर है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए जो कुंदा बेल है, मैं कहूँगा इसमें जो फ्लावरिंग है, तो फ्लावरिंग इसमें जो खिलने का समय रहता है वो कहूँगा कि विंटर्स के समय इसमें आप जो है फ्लावरिंग, ढेर सारी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और इसमें देखिए स्टार जैस्मिन भी आप इसे कह सकते हैं कि उसके जो फ्लावर है आप देखेंगे बिल्कुल स्टार जैसे हैं और भी अन्य नामों से जो इसे पुकारा जाता है। वैसे ज़्यादातर जो फेमस है स्टार जैस्मिन जो है कुंदा बेल के नाम से इसको जो है जानते हैं। और इसमें जो फूलों की संख्या देखिए, इस प्रकार से पूरे गुच्छों में जो इसमें फूल देखने को मिलते हैं। ये इसकी कलियाँ हैं, देखिए एक ही बंच इसमें कितनी सारी कलियाँ इसमें खिली है, तो फ्लावर इसी तरह से देखने को मिलते हैं। और इनकी जो खुशबू है बहुत ही प्यारी प्यारी बिनी सी खुशबू रहती है, दिन भर जो है इसमें खुशबू रहती है, रात में भी इसमें जो है खुशबू रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसके जो है लगाने के लिए जो सॉइल है, पॉटिंग मिक्स है, वो आपको कैसे इस प्रकार से लेना है। तो देखिए, इसका जो पॉटिंग मिक्स है, मैं कहूँ कि आपको इसको वेल ड्रेन मिट्टी आपको रहनी है, यानी वेल ड्रेन मिट्टी मतलब है कि आप इसमें जब भी पानी डालें तो पानी जो है इसमें आप इसमें पानी डालें, मिट्टी एक बार गीली हुई जो ओवर वाटरिंग है सारी से वो बाहर निकल जाए और उसके बाद जो है आपका प्लांट शाम तक वापस से सूख जाए, ऐसी मिट्टी आपको जो है इसकी रेडी करनी है। क्योंकि इसमें देखिए, जब ये जो प्लांट है ज़्यादा ख़राब, जो मैं कहूँगा कि जो ओवर वाटरिंग के कारण ही आपको ज़्यादा ख़राब देखने को मिल हो जाते हैं, तो आपको वेल्ड सभी पौधों की जो है मिट्टी वेल्ड ड्रेन यहाँ पे बनानी चाहिए। और फ्रेंड, देखिए बात करते हैं इसकी जो है कि आपको पॉट साइज़ है वो कैसे किस प्रकार से लेना है। देखिए, अगर आप इसका पॉट साइज़ में कहूँ, अगर आप इसके बेल की तरह ग्रो करना चाहते हैं तो इसका जो है बड़ा सा बड़े से ग्रो बैग में आप इसे ग्रो कीजिए, ताकि इसकी जो बेल है अच्छे से बन सके और इसमें जो फ्लावर्स आपके बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स आपकी संख्या देखने को मिलेगी। अगर आप चाहो तो इसे एक बोनसाई की तरह बना के रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो है पॉट साइज़ कम से कम 12 इंच या 14 इंच का ले सकते हैं। सही समय पर जो आप इसकी जो है प्रूनिंग वगैरह आपको करते रहनी पड़ेगी। अगर आप इसकी प्रूनिंग वगैरह करते हैं शॉर्ट प्रूनिंग, तो देखिए जो हमने साइड ब्रांचेस वगैरह जो है यहाँ पे डेवलप कर लेता है। और फ्रेंड, देखिए बात करते हैं इसमें जो फ्लावर इस तरह से खिलते हैं और फ्लावर जब ड्रॉप कर देता है, तो फ्रेंड ड्रॉप करने बाद देखिए इस तरह से, क्योंकि अब जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं, देखिए इस तरह से जो फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्लावर्स नहीं रहते हैं, इनमें जो कलियाँ हैं वो गिर चुकी हैं। तो इस तरह से आपको जो शॉर्ट प्रूनिंग करके ये आपको हटाने हैं। आप इसे हटाएंगे तो इसमें और जो साइड ब्रांचेज अपने डेवलप करता है और सारी जो फ्लावरिंग आपको उसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो क्या यहाँ पर रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है फुल धूप का पौधा है, आपको इसको जो है भरपूर तरीके से धूप इसको देनी है, विंटर्स की हो या फिर समर्स की धूप आप इस प्लांट को देंगे तभी अच्छे से ग्रोथ यहाँ पे करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी जो फर्टिलाइज़र की इशू की, तो देखिए फर्टिलाइज़र इसमें जो है आपको, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें जो किचारे फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसकी जो खाद है, खाद भी आपको इसको अच्छी मात्रा में देनी पड़ती है। तो खाद के लिए फ्रेंड्स देखिए, आप इसमें जो है इस तरह से विंटर्स में जो फ्लावर खिलने से पहले आप जो है इसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। महीने भर में आप इसमें जो वर्मी कंपोस्ट की जो मिट्टी है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जब फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, कलियाँ बनती हैं, तो इसमें जो आप इसमें फिर से एक बार फर्टिलाइजर रिपीट यहाँ पर कर दें, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। साथ ही देखिए, आप जो केमिकल की बात करूँगा, अगर केमिकल का यूज़ करते हैं तो आप इसमें DAP के दाने इसको दिखा सकते हैं, जो कि इस प्लांट को क्या भरपूर तरीके से फ्लावर देने में सहायक रहते हैं। तो आप इसमें DAP के दाने का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आप इसमें अगर को फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक में आप जो है देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की जो कंडे का जो पानी होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, सरसों खले का जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल सुपर फॉस्फेट, नहीं तो फ्रेंड्स आप जो है इसमें बोन मिल का है जो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसमें कैल्शियम की थोड़ी मात्रा रहती है, जिससे फ्लावर की जो संख्या है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। पत्तों की खाद वो इसमें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपसे खुद से जो बनाया हुआ घर का जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें सब यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट वगैरह जो फर्टिलाइज़र है वो सारा इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें जो है पेस्ट वगैरह अटैक की, देखिए पेस्ट वगैरह अटैक है वो आप इसमें कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिल सकता है, तो आप जो है इसमें नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे है वो आप अपने प्लांट पर ले सकते हैं। उसकी जगह पे देखिए आप इमिडाक्लोपीड जो है उसका भी आप जो है स्प्रे इस पर ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में जो है 1 ml मिला के आप जो है स्प्रे ले लीजिए, तो इसमें जो है जितने रोग लगे होंगे, एफिड्स वगैरह, जैसेड्स वगैरह जो सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, वाइट फ्लाई वगैरह, तो उस सबको जो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और केमिकल में उलाला और भी बहुत अच्छी जो है यहाँ पे आते हैं केमिकल्स में, वो जो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ का स्प्रे, वो आप ले सकते हैं जिनको आप जानते हो, पहले यूज़ किया हो।
और इंस्टेंट में देखिए अगर आप इसको कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप इसमें देखिए सुलेबल जो फर्टिलाइज़र रहते हैं हमारे जैसे NPK 1919 का जो है वो आप इसमें दे सकते हैं, DAP को है वो घोल के वो आप इसमें दे सकते हैं, कंडे का पानी डाल सकते हैं, सरसों खले के जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें डाल सकते हैं, तो इन सबको जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें जो है इंस्टेंट डाल सकते हैं ताकि वाटर जो आपका प्लांट है उसको इंस्टेंट मिल जाता है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए समर्स में अगर सरसों खले के जो फर्टिलाइज़र रहता है उसका आप यूज़ मत कीजिए कि वो जो खाद अगर हम यहाँ पर रहती है, और विंटर्स में देखिए यहाँ पे जो सरसों खले का फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहता है तो आप जो उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं कलियाँ हैं, कलियाँ इसमें बहुत भरपूर तरीके से बनती हैं। आप इसकी जो है सही समय पिंचेस वगैरह करते रहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग, अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो इसमें जो है देर से ग्रोथ होती है, तो सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, आप सॉफ्ट प्रूनिंग जरूर से कीजिए। तो ये इसकी सिंपल सी केयर है, बहुत ही प्यारा सा कहूँ कि बहुत ही सुंदर प्लांट है, आपको अपने गार्डन में जरूर से ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज इसकी केयर, सिंपल सी केयर है। अगर आपने प्लांट लगाया है तो आपको पता है कि इसकी जो खूबसूरती है बहुत ही ज़्यादा है, फ्लावर ये बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो मेरी आज की वीडियो है वो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।